वेलकम टू मनीष गुरु। यूपी शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की करंट अफेयर की आज वीडियो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पुस्तक द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पुस्तक जो है द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये मनाया गया 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 12 अक्टूबर 2018 का अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है 103वां स्थान है भारत का भुखमरी में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई? ये शुरू की गई है बिहार राज्य में, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की संभावित अनुमानित लागत सभी करों सहित कितनी है? तो सभी टैक्स जो इंक्लूड करके वो राशि है वो है 56 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा का आविष्कार किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा ये बनाई है यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा ओलंपिक खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा डकार में, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में बापू टावर का निर्माण किया जाएगा? तो बापू टावर का निर्माण किया जाएगा बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में जारी श्रेष्ठ 100 ग्लोबल ब्रांड 2018 सूची के अनुसार विश्व का श्रेष्ठ ब्रांड कौन बन गया? तो श्रेष्ठ ब्रांड बन गया एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित यूथ ओलंपिक खेल भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीता था मनु भाकर ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने मनामा बहरीन में संपन्न अपने 42वें सत्र की बैठक के दौरान विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स को विश्व विरासत सूची में स्थान दिया है, ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वर्ष के बाद पोलियो के नए मामले सामने आने के बाद किस देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? तो ये आपातकाल घोषित किया गया पापुआ न्यू गिनी में, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें आईफा अवार्ड्स 2018 में प्राप्त सम्मान की सूची में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है इरफान खान को मिला है इनको आईफा अवार्ड 19। नेक्स्ट आपका है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो ये हैं श्रीदेवी। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ गायक, ये हैं अरिजीत सिंह। लेकिन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं रमेश सिप्पी, ये नहीं सुमेले थे, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर सौर हाइब्रिड पावर पॉलिसी। ये पवन सौर हाइब्रिड पावर पॉलिसी 2018 किस राज्य द्वारा पारित की गई है जिसमें अगले 5 वर्षों में अच्छे ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये लक्ष्य निर्धारित किया है गुजरात राज्य ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशिगन माइक्रोमोट के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो मिशिगन माइक्रोमोट ये विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर जो अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, मिशिगन माइक्रोमोट ये क्या है, सबसे छोटा कंप्यूटर है जो यूएसए द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस 2018 का थीम क्या था? तो पहले तो ये पता होना चाहिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। अब इसका थीम जो था वो था परिवार नियोजन मानवाधिकार है। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय ने किस मंदिर प्रबंधक को मंदिर में सभी धर्मों के इच्छुक श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति देने का आदेश दिया है? तो ये मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, ये पुरी में पड़ता है उड़ीसा में, जगन्नाथ मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंबलडन 2018 में महिला एकल स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में किसे हराकर एंजेलिक करवर ने खिताब जीता है? एंजेलिक करवर ने शेरिना विलियम्स को हराकर जीता है खिताब,
यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन सौर किस राज्य में जनजाति विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। मिशन सौर जो है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के लिए बनाई गई इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। तो इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये रैंकिंग जो जारी की है इसमें शीर्ष स्थान जो मिला है वो मिला है आंध्र प्रदेश को, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान मिला है। देखिए ये QS एशिया यूनिवर्सिटी में सबसे जो टॉप की यूनिवर्सिटी वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। ये एशिया में है, होल वर्ल्ड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2018 को किससे पहला विश्व पुरस्कार प्रदान किया गया। तो पहला विश्व पुरस्कार मिला है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को, ये कृषि वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन है कृषि वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी और इजराइल PM बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में आई क्रिएट का उद्घाटन किया, इस संस्थान का उद्देश्य है। तो इस संस्थान का जो उद्देश्य है वो है नया कारोबार शुरू करने के लिए उनका मार्गदर्शन करना। आई क्रिएट ये शुरू किया है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और इजराइल PM बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर धर्म धम्म पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये आयोजन किया गया था राजगीर में, धर्म धम्म चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आयोजन किया था राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक सूचकांक निर्यात को बढ़ावा देने और आर्थिक वृद्धि के लिए सूची में पहला स्थान प्राप्त किसने किया है। तो लॉजिस्टिक सूचकांक यानी निर्यात में बढ़ावा देने के लिए आर्थिक वृद्धि के लिए जो सूची में पहला स्थान मिला है वो मिला है गुजरात को, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने जून 2018 में एक दिवसीय मैचों का सर्वाधिक स्कोर बनाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये स्थापित किया है इंग्लैंड ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 अक्टूबर 2018 को किसे UNHCR द्वारा वर्ष के नैन सेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नैन सेन शरणार्थी पुरस्कार जो मिला है ये मिला है डॉक्टर इवान अटार अडाहा को, डॉक्टर इवान अटार अडाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अक्टूबर 2018 में कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम के नए मुख्य कार्यकारी CEO बने हैं। तो इंस्टाग्राम के CEO बने हैं एडम मोसेरी जो है इंस्टाग्राम के CEO बने हैं। नेक्स्ट आता है, हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD ने वर्ष 2018 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित किए। तो ये GDP अनुमानित किए 7%, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2018 को भारत ने भूकंप और सुनामी प्रभावित किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया। ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया था इंडोनेशिया में जो आए भयंकर भूकंप और सुनामी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड किन के नाम है। तो ये रिकॉर्ड है रिकी पॉन्टिंग के नाम, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में लोकपाल की अनुशंसा हेतु एक समिति का गठन किया है। तो इस समिति का गठन किया है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।